move the body at the full bass. हाय सर। मैम सुनो ना। हाँ सर बोलो। वो मैम मैं आपसे कुछ पूछ रहा था, क्या आप स्कूल के बाद फ्री हो? क्यों सर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैम आपसे कह रहा था क्या आप स्कूल के बाद नया फ्री चले क्या? अच्छा वो बात तो ठीक है सर, मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्यों आप अपने दांत इतने दिखाते क्यों रहते हो? ये दांत? अरे यही दांत तो मेरे खूबसूरत का राज है। अरे सर आप भी ना बहुत नॉटी हो। अबे तू तेरे वो देख रहा है? अबे इधर देख ले, वो देख मैडम और सर को देख ले। हाँ यार मैम को देख और टूटपेट वाली थल को देख, दोनों लगे पले हैं। अबे पागल है क्या? मैम की शक्ल देख और इस घोड़े की शक्ल देख, तुझे लगता है मैम इससे सेट होगी? इतेत मात तो तेरा भाई है, मैम को तो मैं ही तेत कर लूंगा। अबे बस बस तू रहने दे, तू घोड़े को तो देख कैसे शरमा रहा है। इतकी तुगनू वाली मुस्कान तो देख भाई, पूरा पूरा जुगनू लग रहा है। ओए क्या करो तुम दोनों यहाँ पे? अरे कुछ नहीं सर, वो क्लास में जा रहे थे। हाँ तल क्लास में ही डाले थे। चुप करके क्लास में निकल जा वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार बेबी प्लीज बाहर चलो ना, यहाँ मुझे शर्म आ रही है। यार बेबी क्या हुआ, क्लास में तो कोई भी नहीं है मेरे और तुम्हारे अलावा। पर फिर भी बेबी मुझे शर्म आ रही है, चलो ना। बेबी देखो हमें कोई नहीं देख रहा। नहीं ना प्लीज चलो ना। यार क्या हुआ, यहाँ तो सिर्फ हमने पढ़ने के लिए बैठे हैं ना। नहीं यार मुझे शर्म आ रही है, कोई देख लेगा। अरे बेबी अरे बट फिर भी कोई देख लेगा तो? यार ऐसे कैसे कोई देख लेगा, मैंने तो आज तक देखा नहीं। क्या दोबारा बोला? बेबी oh, shit! बस आपका प्यार मैंने नहीं देखा ना। प्यार क्या अबे सुन तोतले, ये हमारे स्कूल में चल क्या रहा है बे? वहाँ टीचर लगे पड़े थे, यहाँ ये दोनों लगे हुए हैं। हाँ यार तू तई बोल रहा है, पूरे स्कूल में हम और तू ही बचे हैं जिसकी बंदियाँ नहीं है। हाँ यार तोतले तू सही बोल रहा है, मुझे लगता है हम दोनों सिंगल ही मरेंगे। देख देख कहते तलमाली हैं। अबे यार उसके पास तो बंदी भी है शरमाने के लिए, हमारे पास तो वो भी नहीं है। यार मेरी सेटिंग कला दे किसी से। अबे तेरी सेटिंग, पागल है क्या, कोई लड़की तेरे तो देखेगी भी नहीं। क्यों नहीं देखेगी, जब तूत पेत वाली थल की सेटिंग हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं? अबे तू बोल तो सही रहा है, जब तूत पेत वाली सर की बंदी हो सकती है तो हमारी सेटिंग क्यों नहीं हो सकती है? चलो आओ अपने लिए बंदियां ढूंढते हैं। हाँ यार मेरी भी सेटिंग होगी, वो भी इसी वजह से शर्माएगी मेरे लिए। चल चल यार अरीना आज कहीं घूमने चलते हैं यार। पर अभिषेक एग्जाम्स आ रहे हैं। एग्जाम्स आने वाले तो क्या हुआ, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो बेबी? मैं हूँ तो। पर बेबी एग्जाम्स तो मैथ्स के हैं, तुम तो बायोलॉजी के हो। अरे भी तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मेरी सेटिंग तो मैथ्स वाली से भी है। क्या? अब मेरा मतलब है कि मेरी मैं मैथ्स वाली टीचर का फेवरेट हूँ ना, तो मैं तुम्हें मैथ्स भी पास करा दूंगा। वैसे बेबी तुम्हारा टीचर का क्या प्लान है? वो एक्चुअली मुझे मामा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। वेंसडे तुम्हें पता है मेरे डैड के साथ, मैं तो मुझे पार्टी में अटेंड करनी है, पार्टी अटेंड करनी है डैड के साथ। एग्ज़ाम है ना मेरा SST का, यार पता नहीं तुम्हें? तुम ना एक नंबर के ड्रामेबाज हो। अब इसको कौन बताए मैं एक नंबर का हरामी हूँ, और तुम भी तो एक नंबर की ड्रामा क्वीन हो। अच्छा एनीवेज छुट्टी का टाइम हो गया, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, चलो। सो स्वीट। कल तुम पूरा दिन कहाँ पे थे, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज?
कल एक्चुअली मैं डैड के साथ था। अरे बट तुमने तो बोला था कि मम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। हाँ मतलब वही, मैं डैड के साथ गया था मम्मा को लेने हॉस्पिटल से। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रही थी, हम कल मिलें, मुझे आज थोड़ा जल्दी घर जाना है। क्या कल? कल ना एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ। क्यों, तुम ट्यूजडे छोड़ के मुझे कभी मिलते नहीं हो, ऐसे कहाँ बिजी रहते हो? अब यार इसको कौन बताए, इसके अलावा पाँच और झेलनी पड़ती है मेरे को। एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट ट्यूजडे मिलते हैं। नहीं यार मुझे तुमसे मिलना ही नहीं है। पर ऐसे कौन करता है, चलो मिलेंगे ना, हम जल्दी मिलेंगे, मान जाओ यार इतना से गुस्सा होना। सुनो ना बेबी, क्या तुम्हें याद है कि नेक्स्ट मंथ क्या आ रहा है? नेक्स्ट मंथ फंक्शन भी नहीं है ना, तो मेरी क्लास है, कुछ भी तो नहीं है नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ कुछ नहीं है? हाँ पक्का कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है। बर्थडे? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें याद नहीं मैंने लास्ट बर्थडे में मैंने तुम्हें क्या दिया था? हाँ मुझे याद है, तुमने मुझे वॉच गिफ्ट दी थी। हाँ तो मैं इस बार मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं तुम्हारा बर्थडे। तो इस बार तुम मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दोगे? बर्थडे पे क्या गिफ्ट? फोन। हाँ फोन ले लेना, फोन आईफोन। हाँ ठीक है बाबा, आईफोन ले लेना बस। हे भगवान, ऐसा बॉयफ्रेंड भगवान सबको दे। बहुत कम मिलते हो, सिर्फ हफ्ते में एक बार, क्या इतना ही प्यार करते हो मुझसे? नहीं ऐसी बात नहीं है, प्यार तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट एक दिन में कवर भी तो कर लेता हूँ। नहीं यार मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुमसे रोज़ मिलना है। रोज़? लगता है बेल बज गई, अगला पीरियड में मैथ वाले सर का है तो मुझे जाना होगा, हम फिर कभी मिलते हैं। ठीक है। हाय। आ गए याद? आ गया फ्राइडे, बस एक ही दिन मिलता है फ्राइडे को मिलने के लिए, पता नहीं पूरे हफ्ते कहाँ गायब रहा था। यार तुम भी कैसी बात कर रही हो यार, इतना सारा पढ़ाई का प्रेशर है, क्लासेस वगैरह रहती हैं, एंड हफ्ते में एक दिन मिलता है और वो दिन सिर्फ मैं तुम्हारे लिए, तुमसे मिलने आता हूँ ना। ओ सच में यार, मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ, तुम्हें शक कर रही थी, आइंदा से नहीं करूँगी। इट्स ओके बेबी, इतना तो चलता है। यार अभिषेक तुम्हें पता है ना मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। एक सेकंड, क्या नहीं पसंद और मैंने ऐसा क्या करा? यार तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? नहीं तो? ये जो तू हफ्ते हफ्ते भर गायब रहता है, एक एक दिन के लिए मिलने आता है, क्या है ये सब? यार बेबी तुम्हें पता तो है मैं फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस हूँ, एंड मुझसे नहीं हो पाता टाइम मैनेज। तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? मैं और तुम्हें छोड़ दूँ? यार कैसी बात कर रहे हो, हम दोनों एक दूसरे के तो बने हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कल तुम मेरी क्लास में मुझसे मिलने आओगे, और अगर नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया। कल? नहीं कल, कल नहीं, कल मैं नहीं आ सकता। अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी भूल जाना। राजी, राजी। यार गाइस संडे का क्या प्लान है तुम लोगों का, फ्री हो क्या, पार्टी करने चले? संडे? हाँ मैं तो फ्री हूँ। हाँ मैं भी फ्री हूँ। और तुम तीनों? हाँ मैं भी। हाँ मैं भी फ्री हूँ। हाँ मैं भी फ्री हूँ। अरे गाइस ये सब ठीक है, एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम सबने अपने प्रिपरेशंस किए या नहीं? मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मेरा वाला पास करा देगा, वो तो इंटेलिजेंट है। तेरा सही है, हम लोग तो दिन रात पढ़ते रहते हैं। बाय द वे मैंने सुना है तेरा वाला तुझे आईफोन गिफ्ट कर रहा है। हाँ तो जल क्यों रही है, बराबरी कर। अरे गाइस चुप हो जाओ, लड़ क्यों रहे हो, वी आर फ्रेंड्स। अरे गाइस ये सब छोड़ो, आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आने वाला है। यार तेरा सही है, मेरा वाला तो सिर्फ मुझसे थर्सडे ही मिलने आता है। मेरा तो सिर्फ मंडे, और मेरा वाला सिर्फ फ्राइडे को मिलने आता है, और मेरे वाला सिर्फ वेडनेसडे, और मेरा वाला सिर्फ ट्यूसडे। ये क्या चल रहा है? अरे यार तुम सब मुझसे जलो मत। ओ हेलो, जैसे कोई जल नहीं रहा है। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं हमारे वाला हमसे कब मिलने आता है। हाय प्रा, हाय देवी। Thank you.
अभिषेक क्या हो रहा है यहाँ पे? बेबी कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बेबी, ये भी है तुम्हारी बेबी? एक सेकेंड, ये भी मतलब? अच्छा इसीलिए सैटरडे को मिलने से मना कर रहे थे? हाँ, क्योंकि असली बेबी तो ये है ना इसकी। ये तो मेरा भी बेबी है बहन। ये तेरा ही नहीं, मेरा भी बेबी है। अरे ये तुम्हारा ही नहीं, हम सबका है। मतलब ये मेरा नहीं, हम सबका है। सब बैठे क्यों, चलो मारते ही से। रोल नंबर वन प्रेजेंट मैम। रोल नंबर सिक्स प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 20 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 24 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 32 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 39 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 40 यस मैम। तुम्हें क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, तो तुम बाहर जा सकते हो। थैंक यू मैम। ए कहाँ जा रहे हो, अंदर आओ क्लास में बैठो। तो ओके क्लास, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मैं प्रिंसिपल सर के पास जा रही हूँ और कोई भी शोर नहीं मचाएगा। ओके अबे तू पागल है क्या? मैं कब से उसके पीछे पड़ी हूँ उससे सेटिंग करने के लिए। तू और उससे सेटिंग, तूने शक्ल देखी है अपनी? अबे ओ बंदरिया, तेरे से तो अच्छी है। हाय एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। मुझे आपके साथ डेट पे जाना था। सॉरी मैं फ्री नहीं। सुनो तुम दोनों। हाँ बोल। तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ लेकिन तू ऐसे क्यों पूछ रही है? हाँ बोल ना। मुझे आगे लड़का बैठा है ना, मुझे उसके साथ सेटिंग करनी है। तुम दोनों में से कौन करवा रहा है? मुझे ना कुछ काम याद आ रहा है, तुम जाना। और तू तू तो कहीं जा भी नहीं सकती। यार मेरा ना बहुत सर दर्द हो रहा है। मैं करवाऊँ तेरे सर में दर्द? चल मेरे साथ। मेरा एक फ्रेंड है, उनको आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे आपके साथ डेट पे जाना है। कितनी बार तुम लड़कियों को बोला, तुम्हें समझ नहीं आता एक बार में क्या? यार नहीं जाना तुम लड़कियों के साथ बाहर। अरे भाई तू पागल है क्या? इतनी लड़कियां तुझे भाव देती है लेकिन तू सबको मना करते रहता है, तू तो पक्का सिंगल ही मरेगा। भाई मैं उस वक्त लूंगा, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? याद रख। मैं कम इन मैम। कम इन। अरे मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। अच्छा बेटा, तो अब तुम मैम का पागल बनाओगे? क्या मैं तुम्हें जानती नहीं? अरे मैम ऐसा नहीं है, सच में सर आपको बुला रहे हैं। सच सच बोलो, काम क्या है? अरे मैम एक्चुअली काम तो यह था कि आप हिंदी पढ़ाना छोड़ के ना लालू जी पढ़ाओ, मजा तो उसी में है। अच्छा बेटा, तो तुम यहाँ पढ़ने आते हो या मजे लेने? बताऊँ अभी तुम्हारे पापा जी को कॉल करके कि उनका बेटा बायोलॉजी में कितना एक्सपर्ट होता जा रहा है। अरे नहीं नहीं मैम, मैं कैसा लगा मेरा मजाक? मैम पैर कहाँ आपके? मैं तो आती में पैर छूता, मैम पैर दिखे नहीं मुझे आपके। मैम नमस्ते मैम, आई लव यू। एंड तो मैं बहुत सीधा लड़का हूँ, देखो टाइप भी इतनी अच्छी लगी ना, है ना? तुम पढ़ाई में अच्छे हो ना, इसलिए छोड़ रही हूँ तुम्हें, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ देती। तो ऐसा करते हैं ना, मिलेंगे जल्दी मिलेंगे, है ना? तो चलता हूँ मैम। अब इसे कौन बताए, अपने टाइम पर बायोलॉजी की टॉपर थी मैं। यार विवेक सुन, मुझसे बिना बात के लड़ाई मत करा कर।
कौन? मैं? मेरा बस चले तो मैं तो तुझसे बात भी ना करूँ, झगड़ा तो दूर की बात है। हाउ रूड, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम कितने बुरे हो। मैं बुरा? मुझसे अच्छा तो बॉयफ्रेंड तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, वो तो तुम 24 घंटे पूरा दिन कचर कचर करती रहती हो। मिलेगा मिलेगा, तुमसे अच्छे पूरी क्लास में 100 हैं। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? ओ हेलो, चल अपना काम कर। तो सभी बच्चों समझ गए जो मैंने पढ़ाया अभी? Yes, ma'am! तो सभी बच्चों जो मैंने पढ़ाया अभी वो दोबारा से रिवाइज कर ले, बाकी का कल पढ़ाएंगे। ये बहुत देर हो गई, बहुत देर से सो रहा है, कौन इतना बातें कर रहा है? हाँ तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? बहुत देर हो गई मुझे तुम दोनों को देखते हुए। मैम ये है मेंटल सा, यही बातें कर रहा है, मैं तो पढ़ाई कर रही थी। हाँ विवेक क्यों बातें कर रहे हो चंचल से? तो पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो? मैम ये एक नंबर की झूठी है, इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, ये मुझसे बात कर रही थी। मैं कहाँ बातें कर रही थी, यही मुझसे झगड़े करता रहता है पागल सा। ओ हेलो, मैं क्या करता हूँ लड़ाई, तू करती है लड़ाई, अभी भी तमीज नहीं है, मैम सामने खड़ी है। मुझे क्यों तमीज होगी, तमीज तो तुम्हें होनी चाहिए ना। चुप हो जाओ तुम दोनों, इतनी तमीज नहीं है, क्लास में टीचर खड़ी होकर तुम दोनों बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर तुम दोनों। Hey everyone, this side Rakesh, I am the founder and CEO of Celebrity Phase India and guys, बहुत best opportunity आप सभी के लिए अपनी acting career start करने के लिए। Celebrity Phase के back to back new web series आ रही है, school के best days आ चुका है, father and son की story आ रही है, मेरी एक ऑलरेडी रनिंग है, 3-4 और web series में हम काम कर रहे हैं और उन सब पे आपको opportunity मिल सकती है काम करने की। यहाँ पे आपको day one से ही हम acting कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो, बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग मिस्टेक्स और सारी चीज़ें। हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में। सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से। फटाफट नीचे दिए गए नंबर पे अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज में। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल, थैंक यू।